किस चीज के लिए शूट था और बताएंगे ब्रीफ करेंगे? ये एक्चुअली मेरा फ्लिकर फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, राइट। उस पर्पस से फिल्म प्रोडक्शन में तो वो काम रिलेटेड आता है प्रोडक्शन हाउस, और मैंने सोचा है इस प्रोडक्शन हाउस का मैं इस्तेमाल करूँगा इंडिया का पहला बिकनी मैगजीन लॉन्च करने के लिए। हम लोग बिकनी बहुत सारे मैगजीन में देखे, पर प्रॉब्लम चीज़ है एक इंटरनेशनल स्टाइल जिसको बिकनी बोला जाता है, बिकनी खुद में एक फैशन होता है, और उस स्टाइल जैसे हम लोग जैसे H&M मैगजीन बोलते जो मेन्स मैगजीन होता है, पर फिर भी इज स्पेशलाइज्ड इन बिकनी। तो आई वांट टू क्रिएट मैगजीन दैट्स लाइक H&M बट विथ इंडियन फेसेस। इस पर्पस से मैगजीन पर्पस में शूट है। मॉडल सवाल था, आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस आज के शूट का? बारी बारी से सब अपना एक्सपीरियंस बताना। हाय, माय नेम इज नैना। बहुत ही ज़्यादा अच्छा शूट रहा आज का, बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर रहा, एंड या सर तो बहुत ऑसम है, एंड या बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हाय, दिस इज अर्शन घोष। शूट वाज अमेजिंग, वी हैड सो मच फन, एंड आई एम श्योर वी गॉट सम अमेजिंग शॉट्स एज वेल। या सो या विश अस लक, थैंक्स। वी गॉट सम रियल ग्लैमर फ्रेम्स। That's truly real. It was a teamwork. It's a total cooperation, yeah. Teamwork, and the understanding of everything. So the thing is, a shoot is not relies on model, not the photographer, not the cinematographer. It relies on a whole team. And if the team can believe in itself and work together, then anything is possible. How do you picture experience also? हाय, माय नेम इज एंजल रिले। शूट तो बहुत ही अच्छा रहा और सर भी अच्छे हैं, बहुत मज़ा आया शूट करके। हाय, माय नेम इज स्वीटी शेख। जी बहुत अच्छा लगा आज का शूट पे, सर भी बहुत अच्छे हैं, हमने एंटरटेनमेंट भी बहुत किया और शूट भी बहुत अच्छे से हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा। ललित जी, जब शूट आप करते हैं तो मॉडल क्या देखते हैं, किस तरह का शूट होता है? पहला चीज़ है डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब देयर टाइम्स व्हेन फर्स्ट थिंग द मॉडल शुड बी प्रोफेशनल एज अ बेसिक नीड, राइट। सेकंड, फॉर अ बिकनी द फिगर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड सेकंड एक्सप्रेशन, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज डेडिकेशन। मीन्स मेरा मतलब ये है कि माने कि एक फ्रेम बन नहीं रहा, राइट। मैंने डायरेक्ट कर चुका, मॉडल ना 100% दे चुका है, पर उसके बाद जो चाहिए होता है टीम वर्क, जिसको बोलते हैं कि मील, हर एक मैं अपना ओपिनियन दे रहा, मॉडल अपना ओपिनियन दे रहा है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक आइडिया निकल के आ रहा है, और जो आइडिया का वो फोटोग्राफर और मॉडल मिल के क्रिएट कर रहे हैं और पॉसिबल कर रहे हैं। इसके लिए क्या चीज़ चाहिए कि गोइंग द एक्स्ट्रा माइल एज आर्टिस्ट फ्रॉम बोथ जॉनर्स, राइट, और डेडिकेशन ऑफ द क्राफ्टर की इफ़ यू हैव टू टेक बियर सम पेन, इफ़ यू हैव टू डू सम ट्राई एक्सप्लेन समथिंग, राइट। उसके लिए आपको अपना क्राफ्ट पर डेडिकेशन होना चाहिए, अपना क्राफ्ट के लिए अगर टीम वर्क करके अगर उस क्राफ्ट को मैं एनहेंस और यूनिक फ्रेम बना सकूँ, सो दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, डेडिकेशन एंड टीम वर्क। ये जानना चाहता हूँ, फोटोशूट में देखना बहुत लोग करते हैं, उसके बाद फोटोशॉप का यूज करके टचअप देते हैं, क्या आप भी इस तरह करते? मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं जब फोटोग्राफी स्टार्ट किया था तो क्या था, मुझे एडिटिंग आता नहीं था, तो मुझे ये फोटो को मतलब पब्लिश या फिर उसमें देने के लिए 2-3 महीना कभी 6 महीना वेट करना पड़ता था। तो मैंने फिलोसफी कर लिया कि मैं अपना फ्रेम जो है जो फाइनल फ्रेम होगा उसमें 90-95% मैं कैमरा में उतार देता हूँ, ओके। क्योंकि मैंने जब कर रहा था तो मैंने एक फोटोग्राफर बारे में सुना था, इंडियन फोटोग्राफर जिनका एक स्टाइल और यू कैन से दैट इज हिज एनिग्मा, कि वो आदमी फ्रेम बनाता था और फेसबुक पे लॉन्च करता था और इंटरनेशनल लॉन्च करता था और अवार्ड आ जाता था, मतलब फ्रेम क्लिक किया रॉ एंड JPG, उसी JPG कुछ एडिटिंग नहीं किया, उसको लॉन्च किया अवार्ड मिल गया। तो मेरा तब से ये लगभग 8 साल पहले का बात है, सो द लास्ट 8 ईयर्स में उस लेजेंड की तरह मैं कोशिश करने की, आई रिफाइन माई फोटोग्राफी टू अ लेवल दैट आई डोंट नीड फोटोशॉप,
एंड फोटोशॉप में बोलूंगा कि रिटच एंड ऑटो कॉन्ट्रास्ट इज नॉट एडिटिंग. हाँ, फोटोग्राफर अगर हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल रिटचिंग और हाई लेवल मैनिपुलेशन कर रहे हैं देन यू आर ट्रूली रिलाइंग ऑन फोटोशॉप एफ परफेक्ट फोटो फ्रेम के लिए रैदर देन ऑन फोटोग्राफी. और मेरे कॉन्सेप्ट है कि 95% टू 98% फ्रेम में कैमरे में निकाल देते. मतलब है कि अगर वही फोटो का बिना एडिट के मैं कहीं पर फेसबुक या कहीं फेंक दूँ वो फोटो ऑफ द मंथ फोटो दिखा निकल जाएगा. पर कुछ इंटरनेशनल के लिए मुझे रिफाइन करना पड़ता है. इंटरनेशनल एडिटिंग बहुत हाई लेवल होती है उस हिसाब से है वरना 95-98% में कैमरा निकल देता. आउटडोर का भी सर प्लान नहीं किए है. राइट, इंडोर ही का भी कर रहे हैं. ये मेरा मैगजीन पर्पज में पहला इंडोर आपका इंडोर बिकनी शूट है. फॉर एक्सपेरिमेंटेशन भी है. और सबसे बड़ा चीज़ है मैंने ये स्टूडियो इसलिए चूज किया क्योंकि ये स्टूडियो खुद में एक प्रॉप है. दिस होल टेक्सचर ऑफ द स्टूडियो एंड एवरी थिंग दिस पुट इज अ डांसिंग स्टूडियो. सो वन प्लस में द स्टूडियो इज डांस का स्टाइल भी है प्लस फोटोग्राफी का स्टाइल भी है. राइट, तो इस हिसाब से ये स्टूडियो खुद में एक वॉकिंग प्रॉप है. और उसमें मैं सब्जेक्ट को बैठा के मैं अपना जिस स्टाइल में फ्रेम क्रिएट करना चाहिए क्रिएट कर सकता हूँ. और डिफरेंस ये है एक फोटोग्राफर और एक इंडस्ट्री फोटोग्राफर इसमें जैसे मैं हूँ मैं रिफाइन करना पसंद करता हूँ. मैं चीज़ में डिटेलिंग करना पसंद करता हूँ ताकि उस आपका प्रॉप और सब्जेक्ट मिलकर तो फ्रेम होगा ही आपका पर वो तो ऑर्डिनरी फ्रेम हो गया. और उस फ्रेम को मैं जान डालने के लिए उसका जो एक्सप्रेशन बोलिए कैरेक्टर रोल पे बोलिए जो इसको बोलता है ना कि एक आप एक मूर्ति बना रहे हो अगर स्कल्पचर बना रहे हो उसमें आप स्कल्पचर तो जब बना रहे हो तो नियरली 90% स्कल्पचर सेम होगा. और उसका फेस का जो हर एक डिटेलिंग हैंड प्लेसमेंट का हर एक डिटेलिंग उसका बॉडी का एक कर्व का डिटेलिंग वही एक स्कल्पचर का यूनिक बना. उसी तरह से फोटो डिटेलिंग से रियर और यूनिक होता है. मैं ये बिलीव करता हूँ. आप चाहो मॉडल किस तरह का एक्सपीरियंस आपने बता दिया. सबसे अच्छा शॉट कौन सा था जो आपने एक्सपीरियंस किया था ये बहुत पोस्टर फोटो में करा है. I think dance wala sequence maybe yeah, that was most fun part of the show. But I think her will be the last word star one. No, star in black and white. The star's reflection was taken on the mirror, and she is holding a RGB light from her behind. It's like I can say a European police woman with a RGB the rod, and you can tell it in the old school style. You can WA for every I think that cheerleader in the police dress or combo with the stars reflection. It truly depicts what Indian cinema was once in its prime. Means you can take a retro era of Mr. Mithun Chakraborty, Mr. Amitabh Bachchan's times, Mr. Disco Dancer's times. Woh era ka jo style tha, rare or aaj bhi uncreatable, wo style reflect hua tha. ये डायरेक्टली सर पेन एंड पेपर पब्लिशिंग हाउस का टाई अप है. ये दिल्ली का पब्लिशिंग हाउस है. दिस पब्लिशिंग हाउस ओनली पब्लिशेस फिक्शनल नॉवेल्स. ओके, बट बिकॉज ऑफ माय प्रोफाइल एंड बिकॉज ऑफ प्रोफाइल एंड देयर इंटरेस्ट टू वर्क विद मी एंड देयर बीन टॉकिंग टू मी फॉर नियरली अ ईयर. तो मैंने बोला था कि मैं नॉवेल ऐसे लिखने वाला ही मतलब चीज़ क्या मैं एक नॉवेल था जो मैं 2011 में स्टार्ट किया था. इसमें बात पता नहीं आज भी किसी से पता भी नहीं है. 2011 में जब कॉलेज में छोड़ा उसके बाद नॉवेल लिखने बैठा था. इट वॉज एक्चुअली माई ऑटोबायोग्राफी बट इट वॉज फॉर माई थर्ड पर्सन एंगल. टाइटल वॉज अ बुक आई रोट फर्स्ट इट वॉज नोबडी या समबडी देन आई ट्रांसफॉर्म द टाइटल टू फ्रॉम अ थर्ड एंगल द मिरर्स. तो मैंने वो किताब 2012 के बाद बंद कर दिया था. प्रिपरेशन दी तो अभी मिसेस श्वेता सवाटा वन ऑफ इंडियाज लीडिंग बेस्ट सेलर्स जो बुक राइटिंग ऑफ कोचिंग देता है उनसे सीखना शुरू किया 2024. और पेंस में वैसे बोल रहा था मैं उनको तो बोला कि मैं वो नॉवल अभी लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं एक्चुअली उस नॉवल को टारगेट किया था कि मैं वो लव पुटनीजर अवार्ड या फिर आपका जो बड़ा बड़ा अवार्ड होता है उसके लिए प्रिपेयर करूँ. तो अभी मैं बोला कि अभी क्या करते हैं टेम्पररी बिक्री कर रहे हो मतलब मैगजीन लॉन्च कर जिस कॉन्सेप्ट में बोले फर्स्ट टाइम जो बिक्री कॉन्सेप्ट. सो हमें बोला कि अगर एक रिक्वेस्ट है कि मैं चाहता हूँ कि मैगजीन के तरह ना पब्लिश हो फिर
एक किताब की तरह पब्लिशिंग थी। मतलब क्या होगा कि हमें एक बुक पब्लिशिंग हाउस अगर एक मैगजीन को पब्लिश कर रहा है तो किताब का मार्केटिंग प्रेजेंस करेगा और मुझे उस चीज सोच करके मुझे बिकनी के फोटो बनाना पड़ेगा। मीन्स इट कैन नो एंगल भी वल्गर, इट शुड बी स्टाइल एंड ओनली स्टाइल, स्टाइल एंड आर्ट ऑफ बिकनी होना चाहिए। ये भी मेरे लिए चैलेंज है स्टार्टिंग से। सो इससे क्या हो जाएगा कि ये मैगजीन आपका बुक का जो मार्केट है जहाँ पर आप सॉफ्ट फिक्शनल नॉवेल जैसे सेल होते हैं उसी स्टाइल में सेल होने वाला है। और ये होगा आपका अमेजोन का सेलर ही है, पेंस पेन एंड पेपर जो पब्लिशिंग है वो खुद ही अमेजोन का सेलर फॉर द लास्ट 5 years प्लस, राइट। और बिग फूट भी अप्रोच किया तो 20 years प्लस आपको मिल जाएगा बिग फूट पब्लिशिंग हाउस। बिग फूट ने बोला कि आप पहले बार पब्लिश कीजिए पेंसिल से, नेक्स्ट वाला हम लोग करने वाले। और बिग फूट अगर करेगा तो बिग फूट 140+ कंट्रीज में लॉन्च करने वाला था, इसका सेकेंड इशू, राइट। प्लस अमेजोन फ्लो, तो ये फर्स्ट रेजन लॉन्च हो रहा है amazon.com.in, Amazon Kindle, Flipkart, प्लस EPDF, प्लस जो मैं कर दूंगा इसको मैक प्लॉट भी लॉन्च कर दूंगा ताकि इंटरनेशनल कोई भी इस मैगजीन खरीदना चाहेगा डिजिटल प्रिंट और प्रिंट कॉपी एंड डिजिटल कॉपी विद $37 इंटरनेशनल शिपिंग होकर हो जाएगा। जैसे आपका USA यूरोप में मैगजीन लॉन्च हो वैसे। और नेक्स्ट में बिग फूट लॉन्च करने वाला है 140+ कंट्रीज में। नेक्स्ट इशू शूट से पहले आपके वर्क I've been modeling since last 1 year, so I've walked for Godrej and like some renowned brands. I mostly do RAM shows and e-com shows. But yeah, this was something new. I did bikini shoot before, but this was something new. I like when shoot is like shoot, not like work. So, you know, otherwise every day it's like going every day to work. It's just it's enjoyment. It was fun. Work, like, you know, learning new things. Yeah, the dance part was, I had no idea. And I love dance. More than the dance part, what you did in the start. Yeah, that was really nice. And you try out that in Jan ka yahan pe, it was amazing. Literally, it was amazing. If you have a frame, you will have a frame. Yeah. This frame I have made. So that depends 100 years of Bollywood actually. So, please, you can tell yourself. मैं लास्ट 4 years से रनवे मॉडल हूँ। आई वॉज मिस असम, मिस तीन असम 2016 एंड मिस इंडिया 2020 फ्रॉम दिल्ली, नॉट बिग दैट लेवल फेमिनिन टाइप स्मॉल। एंड उसके बाद से मैं रनवे से कर रही हूँ एंड प्रिंट ऑल्सो एंड आई एम डूइंग एक्टिंग टू एंड आई एम एचआर मैनेजर एट ट्रैवल एजेंसी। सो ये मेरा वेरी फर्स्ट टाइम आई डिड बिकनी शूट, दैट वाज अमेजिंग। एंड सर और बाकी जितने भी फोटोग्राफर जितने भी टीम है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एक्चुअली 1.5 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ। मैंने बहुत सारा शो किया जैसे कि टीवी शो, रियलिटी शो, सीरियल, वेब सीरीज, एल्बम सॉन्ग बहुत सारा किया, बट आज बहुत अच्छा लगा। सर बहुत फन करते हैं और आपके टाइम पे काम भी करते हैं, बहुत अच्छा लगा आज। मैंने सिर्फ पेन शूट किया और बहुत ये हैं जैसे ज्वेलरी हुआ, ब्राइडल शूट हुआ और बिकनीज बहुत किए हुए हैं, बट बट के बाद क्या है दादा, क्या है ऑफिस मेरा आइडल है रघु भाई सर भी मेरा आइडल सोचा नहीं। मतलब 12 साल में इतना अवार्ड जीत चुका, इतना मतलब नाम, मतलब बीच में खुद ही छोड़ देता हूँ, पर जब भी मैं आता हूँ वापस, आप हॉलीवुड बोलिए, ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री बोलिए, दे वेलकम विथ ओपन हैंड्स एवरीवेयर आई गो। तो इंडिया में क्या होता है ना, मैं चीज़ें अवॉइड करता हूँ एक्चुअल में। यहाँ पर इतना लॉई बॉडी से आई एम एक्चुअली आर्टिस्ट पर्सन, वेरी फ्रैंक, राइट। मैं काम करता हूँ, निकल जाता हूँ, सिंपल सा मेरा फंडा है। मैं कॉन्सेप्ट लेकर बैठूंगा या ये तो आज बिकनी शूट है, वो इसी के मैं कॉन्सेप्ट बना नहीं रहा हूँ। हमें इंस्टेंट 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसी के इंस्टेंट में कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ। और जब मैं कोई इंटरनेशनल अवार्ड के लिए कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, आई नियरली मेक द कॉन्सेप्ट 8 months ago। Without taking consideration, model बनो, model पकड़ता नहीं।
मेरे पकड़ता नहीं, कहाँ फ्रेम पकड़ता नहीं, मैं पकड़ता हूँ फील ऑफ द आर्टवर्क, कि आर्टवर्क जो है वो उसको मैं मास्टरपीस बोलता नहीं हूँ। आर्टवर्क का जो देखने के बाद जो आफ्टर इफेक्ट होता है, वो आफ्टर इफेक्ट से फील होगा, मैं उसको मास्टरपीस मानता हूँ। उस चीज़ उस पॉइंट से मैं एक मंथ, वन ईयर, टू ईयर्स में टाइम लेता हूँ एक कॉन्सेप्ट को मतलब अपने दिमाग में ड्रॉ करने के लिए, राइट। आई एम नॉट मच ऑफ ए गुड पेंटर्स और स्केच आर्टिस्ट, मेरे फादर बेहतरीन थे, पर मैं क्या होता पापा से मैं डरता था, तो कभी सीख सीखने की हिम्मत तो नहीं हुआ। सो जो भी करता था मैं दिमाग में ड्राइंग करता हूँ, तो इस हिसाब से जो और एयर स्टेट बॉलीवुड एक्ट्रेस में मैं अभी बोल नहीं पाऊँगा, राइट, क्योंकि मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं हूँ। और अगर किया जाए यू साइज में, I have no problem. I believe that every artist from any field is an artist till that person is dedicated with his or her craft. Right? If a dedicated person seriously wants to work with me and I can make a good concept that I am satisfied working with, then I have no person with her, that person he or she. After the end of the artist with her. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.